अस्सलामुअलैकुम। अस्मा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार किस्म की कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ। आज मैं लाहौर की मशहूर कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी और यमी। रेस्टोरेंट में जिस तरह बनती है बिल्कुल उसी तरह की कढ़ाई। आज हमने 1.5 किलो के करीब मैंने चिकन ले लिया है। इसको मैंने अच्छे तरीके से धो के रख लिया। 1.5 किलो चिकन है। 10 से 12 अदर टमाटर मैंने क्यूब्स में कटे हुए लिए हैं। तकरीबन ये 1/2 kg के करीब टमाटर लिए मैंने, 1/2 किलो के करीब टमाटर हैं। और 1 कप मैंने घी का लेना है। घी ये जमा हुआ था तो मैंने वैसे ही रख दिया। 1 कप घी का लेना है। 1 कप दही का है, 1 पाव दही है। साबुत गर्म मसाले में ये काला ज़ीरा है, थोड़ा सी काली मिर्ची है और एक बड़ी इलायची ली है मैंने। 3 टीस्पून के करीब मैंने, 3 टीस्पून के करीब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है। 1 टीस्पून नमक है। 1/2 टीस्पून हल्दी है। 2 टीस्पून मैंने धनिया का पाउडर भुना हुआ और कुटा हुआ जो मैंने घर में पीसा था। 1/2 गड्ढी मैंने हरे धनिए की ली है और 8 से 10 अदर हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ली हैं मैंने। अदरक मैंने 2 इंच बड़ा टुकड़ा था उसको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है। थोड़ा अदरक पिसा हुआ डालेंगे हम और बाकी ये हम गार्निश में करते हुए डालेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने गर्म मसाला पाउडर लिया। शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी और यमी कढ़ाई। और कढ़ाई बना रहे हैं तो ये हम कढ़ाई के अंदर ही बनाएंगे। चिकन मैंने इसमें धुला हुआ शामिल कर दिया। अंदर हमने अभी ना ऑयल डालना है ना घी डालना है, कुछ भी नहीं डालना। इसके अंदर हमने टमाटर शामिल कर देने हैं। ये टमाटर मैंने शामिल कर दिए और तेज़ आंच पे फुल फ्लेम के ऊपर हमने इसको पकाना है। इस वाले इसे हमने स्टेप को हमने फुल फ्लेम पे पकाना है। चिकन हमारा अच्छे तरीके से पक जाए और हाफ गल जाए। इसमें मैं 1/2 कप पानी का शामिल करूँगी। 1/2 कप के करीब मैंने पानी शामिल कर दिया बस। और नमक शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे। और इसको अब तेज आंच के ऊपर हम पकने के लिए रख देंगे। इसको पकने के लिए हमने रख देना है। 10 मिनट के बाद इसको मैं देखूंगी। ये देखें चिकन हमारा गल चुका है, हाफ गल चुका है और हाफ अभी रहता है। अभी इसमें पानी भी है और इसके अंदर हम ये देखें टमाटर जो है बिल्कुल मेल्ट हो गए हैं कितने अच्छे तरीके से। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाह। और इसमें साबुत गर्म मसाला मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें घी शामिल करूंगी। मैंने घी को अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिया है। शामिल कर दिया घी भी। घी भी शामिल हो गया है। ये देखें घी थोड़ा सा मेल्ट हो गया है, बाकी भी सारा मेल्ट करेंगे। अब इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर शामिल करना है, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, हाफ अदरक कटा हुआ। मिक्स करेंगे मसाले को। टमाटर हमारे अच्छे तरीके से मेल्ट हो गए थे। मसाले की बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इस तरीके से आप बनाएंगे चिकन कढ़ाई, बिल्कुल लाहौर की फेमस चिकन कढ़ाई बना रही हूँ मैं। जब चिकन और मसाला घी छोड़ देगा उस स्टेप पे हमने इसमें दही शामिल करना है। दही मैंने शामिल कर दिया है। मिक्स करेंगे। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और यम्मी बन रही है ये। इसको नान के साथ खाएं। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें। बहुत शुक्रिया। चैनल बहुत शौक से देखते हैं और मेरे को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। बहुत शुक्रिया उनका, बहुत बहुत शुक्रिया जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और मैं उनके सपोर्ट की वजह से आज यहाँ तक पहुँची हूँ। उम्मीद है कि आप लोग आगे भी मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे इंशाल्लाह। मज़ेदार किस्म की कढ़ाई तैयार होने वाली है।
अब मैंने इसके अंदर अदरक, गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्चें बारीक बारीक सी मैंने काटी थी हरी मिर्चें भी डालेंगे और हरा धनिया। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। मज़ेदार किस्म की चिकन कढ़ाई तैयार है। गरम गरम नान के साथ, चपाती के साथ ये चिकन कढ़ाई ज़रूर ट्राई करें और बनाएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम।